जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, मेरे नबी की शान का एक बाप भी पुराना हुआ। बिहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि मेरे अल्लाह ने हमें एक अजीम नबी की अजीम उम्मत बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में सबसे आला मकाम रखते हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम उम्मतों में आला मकाम रखते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निस्बत की बरकत है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो तमाम उम्मतों से आला है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा न होते तो हम एक आला उम्मत के अंदर रहने वाले नहीं बन सकते थे। अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ क्यों दिया? इसलिए कि मेरे अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया ना, तो पैदा करते ही अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुक लिलमलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला फरिश्तों को मुखातिब करके फरमा रहे हैं कि मैंने अपना एक ज़मीन के अंदर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो वो खलीफा दुनिया के अंदर रहकर मेरी इबादत करेगा, जिसका इजहार अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर भी फरमाया कि वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो शैतान और दीगर जो मखलूकात थी, फरिश्ते भी उन्हीं में से थे। ये शैतान असल फरिश्ता नहीं था, लेकिन अल्लाह की इबादत इतनी करता था कि ये जिन्नों की मखलूक होने के बावजूद, जिन से जिन्नात होने के बावजूद, नेकियाँ इसकी, इबादत इसकी इतनी आला थी कि ये फरिश्तों के साथ रहा करता था। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया ना, तो फरिश्तों ने सवाल किया, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, कि ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, आप एक ऐसी मखलूक को बनाने लगे हैं जो ज़मीन के अंदर फसाद मचाएगी, खून बहाएगी। ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, हम जो आपकी तस्बीह बयान करते हैं, हम आपकी तारीफ बयान करते हैं। फरिश्ते कह रहे हैं कि हम आपकी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत नहीं करवानी थी, अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत नहीं करवानी। अब जो लोग अल्लाह की इबादत ही करते रहते हैं और गुनाह करते ही नहीं हैं, फिर उन पर आजमाइश क्यों आती है, उन पर तकलीफें क्यों आती हैं? अल्लाह ताला ने अपने और अपने बंदे के दरमियान जो ताल्लुक है उसके ज़रिए अपने बंदे को आजमाना था, और जो उस ताल्लुक, उस मोहब्बत में, उस फर्मा बरदारी में, उस इताअत में कामयाब हुआ वो जन्नत में जाएगा। और वो ताल्लुक कैसे सामने आना था? अल्लाह ताला ने एक ऐसी हस्ती बनाई जिसकी मोहब्बत के ज़रिए हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकते थे। हमारा अल्लाह पर ईमान है, हम मांगते अल्लाह से ही हैं, अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है। मुख्तारकुल ज़ात अल्लाह की ज़ात है, हर चीज़ पर कुदरत अल्लाह की चलती है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वजह कायनात बनाया है। वजह कायनात यानी कायनात बनाने की वजह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक मौजूद है कि अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे कि अल्लाह ने मुझे नबूवत अता कर दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।
जिससे ये बात वाज़े होती है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने से पहले अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। अब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा बनाया, वो कौन सी मखलूक में रखा और कैसा रखा, ये हमारा सवाल नहीं है। क्यों लोग आए अभी अजीब गरीब सवाल भी कर लेते हैं। अब भी हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रूह माल जसद, अपनी रूह और अपने जिस्म के साथ जिंदा है। तमाम अम्बिया इकराम का जिस्म उनकी खबरों में महफूज है। अब उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो कैसे ज़िंदा है, वो खाते क्या हैं, वो रहते कैसे हैं, इसमें हमारा सवाल नहीं है। अगर हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब के अंदर जो ज़िंदगी देखते हैं वो हकीकत में क्यों नहीं होती। जिससे ये बात वाज़े होती है कि मेरा अल्लाह हर तरह की ज़िंदगी बनाने पर कादिर है। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि वो कैसे ज़िंदा है, वो कैसे वहाँ ज़िंदा रह रहे हैं, खाते क्या हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, खबर तो बंद है। ये हमारा काम नहीं है। जो अल्लाह माँ के पेट के अंदर हमें बगैर कुछ खाए पिए ज़िंदा रख सकता है, तो वो देखो छोटा सा होता है इंसान, इतना सा बिल्कुल, तो अल्लाह ताला इतने से इंसान को ज़िंदा रख सकता है। तो जो इतना बड़ा खुद चल फिर रहा है, खा पी रहा है, सब कुछ कर सकता है, उसको ज़िंदा रखना मुश्किल है क्या? तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का इजहार भी फरमाया, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। हम जिंदा से मुर्दा भी कर सकते हैं और मुर्दा से जिंदा भी कर सकते हैं, कि मेरे अल्लाह ये कुदरत है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। सूरतुल अहज़ाब में इस चीज़ का अल्लाह ताला ने एक अमली ज़िंदगी का हमें हुक्म देते हुए इशाक फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि मेरा जो हबीब है ये तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, मेरे हबीब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए मिसाल है, नमूना है। अगर तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम मेरे यहाँ कामयाब होकर आओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने से, आपके हुक्मों को छोड़ने से, आपके इताअत को छोड़ने से बंदा नाकाम हो जाएगा, जहन्नम को अपने लिए मुस्तहिक बनाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में अल्लाह ताला ने हमें आने का हुक्म दिया। सबसे पहली चीज़ कि आपकी नबूवत के इकरार करना, इसका अल्लाह ताला ने इजहार फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, कि ऐ ईमान वालों तुम ईमान लाओ उस चीज़ पर, यानी उन पैगंबरों पर जिनको अल्लाह ताला ने भेजा, वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूली, और उन किताबों पर जो किताबें अल्लाह ताला ने अपने अंबिया पर नाजिल फरमाई, वल किताबिल्लज़ी उन्ज़िला मिन क़ब्ल, और जो किताब अल्लाह ताला ने बाकी अंबिया पर नाजिल, जो किताबें बाकी अंबिया पर नाजिल फरमाई उन पर भी ईमान लाएं, और जो किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई उन पर भी ईमान लाएं। वो किताब कौन सी है जिसका अल्लाह ताला ने इजहार फरमाया कि मैंने अरबी ज़ुबान के अंदर इस किताब को नाजिल फरमाया, बिलिसान अरबी मुबीन, कि ये किताब किस पैगंबर पर नाजिल हुई? अल्लाह ताला ने फरमाया, बिमा नुज़िल अला मुहम्मद, इस किताब को मैंने अपने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुर्क़ान अला अब्दिही लियकूना लिल-आलमीन नज़ीरा, हमने इस बाबरकत कलाम को अपने बंदे पर नाजिल फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार कर लिया, अल्लाह की वहदानियत ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान ले आए, अब अगला मकसद है उस्वा हसना, जिसके अंदर हम इंतहाई कमज़ोर हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना है और हमने अपनी जिंदगी को देखना है। हमारी दीन इस्लाम और तालीमात नबवी के साथ कितनी मोहब्बत है, इनके ऊपर हमारा कितना अमल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तालीमात इस्लाम की खातिर कितनी मुशक्कत उठाते हैं, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के लिए कितनी कुर्बानियां पेश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, उस दिन से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकालीफ आई, जितनी मुसीबतें आई, जितनी परेशानियां आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाकी अंबिया कराम पर आने वाली आजमाइशों को, तकलीफों को जमा कर लिया जाए और एक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ को जमा कर लिया जाए तो मेरी तकालीफ आजमाइशें बढ़ जाएंगी। ये किस लिए था? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, जब तक नबूवत का ऐलान नहीं किया था उस वक्त तक आपके दुश्मन लोग न बने। लोग आपके पास अमानत भी रखवाते थे, आपके साथ तिजारत भी करते थे, आपके साथ लेन देन रहन सहन के मामलात भी बसर करते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो वही लोग आपके दुश्मन बन गए। उसकी वजह क्या बनी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात उसकी वजह नहीं बनी, अल्लाह का हुक्म उसकी वजह बनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत उसकी वजह बनी, दीने इस्लाम की तालीमात उसकी वजह बनी। जिन चीजों को आज हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, दरगुजर कर दिया, जिन चीजों को हम आज तरजीह नहीं देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक्दस को जितनी मुशक्कतें उठानी पड़ी, उन तमाम मुशक्कतों का सबब सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की आवाज थी, एक अल्लाह के हुक्म को बुलंद करना था, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना था, जिसकी वजह से आपके रिश्तेदार, आपके सगे चचे जो थे, आपके इलाके के आपके रिश्तेदार जितने भी थे, उनमें से कसीर तादाद में आपके मुखालिफ हो जाते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है अबू लहब मुसलमान नहीं हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई बुग़्ज़ का मुजाहरा किया, जिसकी वईद में अल्लाह ताला ने अपने गुस्से में इजहार किया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। आपका चचा अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के बावजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने के बावजूद इस्लाम ना कबूल करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसके उनके बारे में अजाब का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के बारे में अजाब का ऐलान फरमा दिया। क्यों? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी का मामला नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती मसाइल नहीं थे, ये अल्लाह का हुक्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर जाती मसाइल देखे जाते तो लोग तो आपको अमानतदार समझते थे, लोग तो आपके साथ मामलात करते थे, तिजारत भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपना माल देकर बाजार में भेज रही हैं बेचने के लिए, उसकी वजह क्या थी? हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्के के अंदर इंतहाई मालदार खातून थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब चर्चा सुना कि ये शख्स इंतहाई नेक है, अमानतदार है, जो भी काम करता है बिल्कुल उसके अंदर कोई झूठ नहीं होता, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, बुलाकर अपना माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया, आप मेरा माल बेच कर आएंगे और जितना आपको दूसरे लोग मुआवजा देते थे माल बेचने का, मैं इससे ज्यादा दूंगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल बेचने के लिए जब जाते हैं
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल सबसे पहले बिक जाता है और माल भी सबसे ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या, सहाबा इकराम फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल खस्ता हालत का होता, रद्दी हालत का होता, उसको अलग करके बेचते, जो उम्दा माल होता उसको अलग करके बेचते, और हम क्या करते हैं नीचे नीचे गले सड़े सेब, पेटी के ऊपर उम्दा सेब। ये आज हमारा हाल है, इसीलिए हम परेशान हैं। हमने ये समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के के अंदर को बंगला तो है नहीं, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते रहे तो खाएंगे कहां से, ये गलत सोच है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से पकड़ लें जैसे सहाबा कराम ने पकड़ा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक इस बात को सीने से लगाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को उन्होंने अपनी तिजारत, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को मिस नहीं होने दिया। वो अमल क्या था कि चीज का ऐब जो है वो छुपा कर न बेचना, चीज का ऐब ग्राहक को दिखा देना कि इसके अंदर ये ऐब है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस दुनिया से रुखसत हुए, कई लाख कई हजार दिरहम और दिनार छोड़कर जाते हैं, एक दिनार आज के दौर में अगर शुमार किया जाए तो वो कम से कम 700-800 रुपए का बनता है। उस दौर में अरबों खरबों की रकम छोड़ के जाना ये कितना बड़ा माल है। और फरमाते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने कभी उधार माल नहीं खरीदा, मैंने कभी उधार माल नहीं बेचा, और मेरा जो तीसरा उसूल है झूठ बोलकर माल नहीं बेचा, और चौथा उसूल कि मैंने कभी माल का ऐब जो है वो छुपाकर माल नहीं बेचा। अभी तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना की एक मिसाल बयान की है, एक मिसाल, उस मिसाल का ये नतीजा देखें कि इन्होंने आपकी तिजारत के एक उसूल को अपनाया कि ऐब जो है वो अपने माल का जाहिर करके बेचना है। हम करते क्या है, कोई शख्स अगर हमसे चेन लेने आ गया ना तो दराज में से सारे रद्दी नोट गिन के उसके हवाले कर दिए। मजबूर शख्स की जात से फायदा उठाना हम कैसे मुसलमान हैं? सहाबा कराम मजबूर शख्स से फायदा उठाना तो दरकिनार, अगर किसी की चीज उम्दा होती और खरीदने वाला उससे भी ज्यादा मालदार है, बेचने वाला उससे भी ज्यादा मालदार है, तब भी धोखा नहीं देते थे। दोनों मजबूर हो तब भी धोखा नहीं देते थे। एक साहबी दूसरे साहबी के पास, आखिरी बात करता हूं, अपना घोड़ा लेकर चले गए। ये देहाती थे, इनको मालूम नहीं था, इनको किसी ने घोड़ा हदिया किया। अब घोड़ा लेकर चले गए एक माहिर साहबी के पास जिनको घोड़ों के रेट और घोड़ों की कदर कीमत का इलम था। उनके पास लेकर जाते हैं और उनको कहते हैं ये घोड़ा मुझे कहीं से हदिया आया है और मैं इसको बेच कर जो है वो अपना गुजर बसर करना चाहता हूं, आप ये घोड़ा मुझसे खरीद लें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये वाला वाकया सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उस सहाबी रसूल ने उस घोड़े का रेट लगाया, मिसाल देता हूं आपको कि 500 दिरहम उसका रेट लगा दिया। वो कहने लगे ठीक है मुझे मंजूर है, आप मुझे 500 दिरहम दे दें और मेरा इससे गुजारा चल जाएगा। वो कहने लगे कि ये तेरा घोड़ा जो है मैं 500 दिरहम का नहीं लूंगा। वो कहने लगे भाई अभी तो तूने कहा था 500 दिरहम का ले लूंगा और फिर आप कह रहे हो 500 दिरहम का नहीं लूंगा। वो कहने लगे मैं 1000 दिरहम का लूंगा। वो हैरान हो गए कि यार तू मेरे साथ मजाक कर रहा है कि तूने अभी कहा 500 का लूंगा फिर कह रहे 1000 दे, चलो 1000 दिरहम का ही ले ले। उन्होंने अर्ज की कि तू मेरा भाई है, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जिसने अपने किसी मुसलमान भाई को धोखा दिया वो हमेशा जहन्नुम में जाएगा और मैं तुझे चंद पैसों की खातिर धोखा नहीं दे सकता, लिहाजा तेरा जो घोड़ा है वो 2000 दिरहम का है, मैं 2000 दिरहम का खरीदूंगा। इस सहाबी रसूल की आंखों में आंसू आ गए और अर्ज करने लगे
कि मुझे यूं मालूम हो रहा था कि आप ये घोड़ा खरीदना नहीं चाहते, जब आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनाया मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला कभी मुझे तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमारा आपस में ये लेन देन होना चाहिए, ये ना हो कि गली सड़ी चीजें नीचे और उमदा ऊपर दिखाकर जब कस्टमर रेडी की उस तरफ खड़ा होता है इधर से गली सड़ी चीजें शापर में डाल देते हैं, इसीलिए फिर वो सारी जिंदगी रेडी पड़ी रहता है। ये याद रखें, ये वो वजह है जिस वजह से हम पीछे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।